लड़के ने, उसकी माँ ने और उसके पिता ने और उसके छोटे भाई ने, इन चारों ने मिलके लड़की को पहले मारा है, मार पीटा है और फिर लटकाया है। मेरा नाम चेतन शर्मा है, भावना मेरी सिस्टर है। ये हमने इनकी शादी 26 अप्रैल 2021 को शादी करी थी। शादी करने के बाद में ये लोग क्या करते थे, बार बार घर पे भेजना, दहेज के लिए प्रताड़ित करना, मतलब डोमेस्टिक मेंटली हरासमेंट करना। इन्होंने बहुत ज़्यादा मेंटली हरासमेंट किया। आज भी मतलब इसका मतलब दो दिन चार दिन पहले फ़ोन आया था कि बोला मेरे से 10 लाख के लिए डिमांड कर रहे। बोला भैया मेरे को 10 लाख रुपये चाहिए, नहीं तो बोला अगर 10 लाख रुपये अगर आप नहीं देते हो तो हम तुम्हारी बेट, बोला मेरे को मारने की धमकी दी है और मेरे साथ ये कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने आज, लड़के का नाम गौरव है जो कि डिफेंस में है, सप्लाई ESC कोर से बिलोंग करता है, और उसके बाद में उस लड़के ने, उसकी माँ ने और उसके पिता ने और उसके छोटे भाई ने, इन चारों ने मिलके लड़की को पहले मारा है, मार पीटा है और फिर लटकाया है। और बस हम आपसे हाथ जोड़ने की रिक्वेस्ट है, हम सिर्फ आपसे इंसाफ चाहते हैं। कॉल करके कहा था कि 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। कॉल करके इन्होंने कहा था कि मतलब आज से 3 या 4 दिन पहले कि 10 लाख रुपए, बोला 10 लाख रुपए चाहिए। बोला फिर आप लोगों ने उनसे संपर्क किया, उनसे हमने बातचीत हुई थी, हमने बोला आप करो सही से रखो, फिर उसके बाद नहीं माने ये, इन्होंने आज इस घटना को अंजाम दिया है, जब हम उनके पास में कुछ लेके नहीं पहुंचे हैं। तो मेरा नाम धीरज शर्मा है। बहन को मेरे उसके जीजा ने, उसकी माँ ने, उसके क्या नाम, उसके बाप ने और उसकी क्या नाम, उसके भाई ने, छोटे भाई ने, चारों ने मिलकर गला दबा कर मारा है। डेली तंग करते थे दहेज के लिए उसे, हमने जितना हमको हुआ, जितना हमसे अपनी समवाई से ज़्यादा पैसा लगाया, फिर डेली दहेज के लिए तंग करते थे। उसके बाद उसे कभी उसे मारते थे, कभी पीटते थे। मैं फौजी हूँ, मैं फौज में आके कितने दिन बचाऊंगा आप बताओ। खुद फौजियों को उसे ऐसा करते हो, शर्म आनी चाहिए ना, देश के लिए रक्षा करते हैं, ऐसी रक्षा करते हैं, वो देश के लिए अपनी वाइफ को मारते हैं, ये क्या तरीका है। मेरी भी वाइफ है घर में। शादी कब हुई थी? शादी 26 अप्रैल 2021। उसके बाद से 10 दिन 20 दिन के बाद से तंग करना स्टार्ट कर दिया। दहेज चाहिए, मांगना चाहिए, भीख मांगो, दहेज चाहिए तो लड़की क्यों मांगते हो, हम दे देंगे दहेज जितना चाहिए, भूखे थोड़े। गाली मत दो। क्या नाम? पति का नाम गौरव शर्मा, ससुर का नाम राधेश्याम। क्या करते थे पति? क्या करता था पति? फौज में है, मिलिट्री में, आर्मी में ही हो। हाँ, इसलिए हमने तो आर्मी वाला समझ के शादी की थी ना। मैं खुद डिफेंस हूँ तो मेरे को लगा आर्मी वाले बंदे जेन्युइन होते हैं, पर हमें क्या पता था आर्मी में आजकल राक्षस भर्ती करने लगे। अब गौरव इस समय आए हुए थे यहाँ पे? गौरव सिकली पे आए हुए थे यहाँ पे, उसके पैर का फ्रैक्चर हुआ था तो उसकी सर्जरी हुई थी। उसके बाद एमएच दिल्ली कैंट वहाँ से यहाँ पे भेजा था उसे सिकली पर। तो घर पे ही थे वो? अभी घर पे था वो, 18 तारीख को उसको वापस जाना था, रिपोर्ट करना था। वैसे CO से भी कन्फर्म किया, वो कभी घर पे ही था। क्या चाहते हैं इस मामले में? हमें पूरा इंसाफ चाहिए, पूरे दोषियों को सजा चाहिए, हमें मैक्सिमम फांसी दिला सकते हो फांसी, क्योंकि हमारी बहन ना तो घर से फालतू थी, अकेली बहन है दो भाइयों के बीच में, हमें पूरी तरह से इंसाफ चाहिए। अगर कानून नहीं कर सकता तो हम करेंगे फिर अपने हिसाब से। ये हम कोई पूछे थोड़े, जो फौज में होने के बाद हम देश की रक्षा करते रहे, हमारी माँ बहन को कोई मारता रहे, आप बताओ ये सही है क्या? कहिए औरंगा गाँव से जो है एक सूचना मिली थी कि एक औरत ने फांसी खा ली, तो ये लड़की जो है खाली की है, भावना नाम है, और इसमें जो है इसकी शादी करीब 1 साल पहले हुई है। अभी कंप्लेंट देते हैं जैसे ही कार्रवाई। मायके वालों को क्या कहना है? मायके वाले अभी कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन कंप्लेंट जो भी देंगे उसे कर। तो अभी सबको आपने कब्जे में ले लिया है? सबको कब्जे में। पोस्टमार्टम सुबह होगा? सुबह होगा। कितनी उम्र होगी मृतका की? 22 साल बस। मौके पर आप गए होंगे तो किस हालत में मिली थी महिला? पब्लिक ने उससे पहले ही, हमारे से जाने से पहले गाड़ी में बिठा लिया था इसको, तो हमें तो गाड़ी में ही लाने के लिए यहाँ पब्लिक ने उतार के जैसे भी हो गया। तो अब उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में हम सामने, मतलब फांसी लगने से मौत हुई वैसे? अभी ये लोग यही बता रहे हैं, लेकिन कंप्लेंट देंगे और फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लियर हो पाएगा।